मध्य प्रदेश की रतलाम जिले की तहसील जाफरा में रेलवे फाटक बंद होने के कारण ओवरब्रिज पर ज्यादा ट्रैफिक होने के चलते सात यहाँ आप देखिए बजे किस तरह से माहौल रहता है। रात 10:30 बजे दो बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें प्रवीण सिंह सोलंकी एडवोकेट गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें गंभीर अवस्था में शासकीय चिकित्सालय जाफरा पहुंचाया गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रतलाम रेफर किया गया। घटना से आक्रोशित अभिभाषक संघ के सदस्यों ने मांग की जब तक अंडर ब्रिज नहीं बन जाता तब तक रेलवे फाटक पुनः खोला जाए, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए फ्लाईओवर ब्रिज के बीच में तत्काल डिवाइडर लगाकर यहां वन वे जैसी स्थिति निर्मित की जाए और स्पीड ब्रेकर लगाए जाए। अभिभाषक संघ के सभी सम्मानित सदस्यों के द्वारा जो कल रात में जो दुर्घटना हुई है उसके संबंध में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, और जो जावरा में जो ये ओवर ब्रिज जिस पर हम खड़े हुए हैं उस पर संबंध में सुरक्षात्मक दृष्टि से कुछ बिंदु उठाए हैं, और जो ज्ञापन के माध्यम से जो उनके द्वारा जो बिंदु प्रस्तुत किए गए हैं सेफ्टी के संबंध में, सड़क सुरक्षा के संबंध में, तो उन पर निश्चित रूप से जो भी उसमें विधि संगत कार्रवाई होगी हम उस पर बिल्कुल विधि संगत कार्रवाई करें। इसमें मैं संबंधित जो ट्रैफिक व्यवस्था देखते हैं और पुलिस स्थानीय पुलिस है उनपे से चर्चा करके इसमें जो सुरक्षात्मक कदम उठाए जा सकते हैं वो उठाए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। प्रवीण सिंह सोलंकी गत रात्रि में एक मोटरसाइकिल से दुर्घटना हो गई थी जिसमें वो गंभीर हालत में रतलाम में भर्ती हैं, और उस दुर्घटना में जिस व्यक्ति से दुर्घटना हुई थी वो भी ये व्यक्ति जो है गंभीर तरह से घायल है। तो हमारा दोनों घायलों के प्रति जो है एक सद्भावना रखते हुए हमने इस ब्रिज पे आगे कोई घटना ना हो इस संबंध में हमने ज्ञापन दिया है, और ये मांग करी है कि इस ब्रिज पर डिवाइडर लगाए जाएँ और जगह जगह स्पीड ब्रेकर बनाए जाए ताकि क्या गंभीर गंभीर है। हाँ, अभी जो हमारे अभिभाषक साथी हैं वो अभी वेंटिलेटर पे हैं।